झज्जर के गांव आकुपुर के पास खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। वहीं युवक के जेब से दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा युवक की शिनाख्त गाँव खुरड़ा के राकेश के रूप में की गई है। वहीं मृतक राकेश के भाई सोनू ने बताया कि राकेश गुरुग्राम में एक कंपनी में काम करता था और उसे पैसे के लेन देन के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसकी उम्र करीब 22 साल, ये कोरड़ा है, वहाँ का रहने वाला। पोस्टमार्टम के बाद जैसी कार्रवाई होगी, चोट वोट के निशान है ना? चोट का कोई निशान नहीं। परिवार वालों ने प्रयार परिवार वाले तो ये कह रहे हैं भाई ये दबाव में इन्हें कर लिया सुसाइड, यही है अभी। बाकी पोस्टमार्टम के बाद बोर्ड के द्वारा, हाँ बोर्ड के द्वारा। झज्जर के में कच्चा सुर्खपुर के निवासियों ने शंकराचार्य रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों घरों में भी पानी भर जाता है, जिसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश के बाद पानी में जहरीले जीव भी उत्पन्न होने लगते हैं, घरों में सांप भी टहलने लगते हैं, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। वहीं जाम लगाने के बाद शहर थाना पुलिस के साथ सीटीएम मौके पर पहुंचे। तरह 6 महीने हो गए मने, कोई सुनाई नहीं है किसी बात की। कर्मचारी आवर देख कर चला जा, वे आपने क्या के लिए छोड़ रखी है, क्या के लिए छोड़ रखे है? उनने कोई सुनाई नहीं कर रही, ठेकरा बना रखा है शहर का। इसी चीज के लिए तो होना चाहिए प्रशासन कुछ मदद करे भाई, पानी न काट दे। कोई पानी का हल नहीं है, मैं मरन लाग रहा हूँ, मैं भूखा मर रहा हूँ। मेरे डांगर भी कसाई खुटे बंद रहे, पानी भरया खोरा में जाकर देख सकते हैं। इतना बुरा हाल कदे नहीं होया, 20 साल हो गए कदे पानी नहीं आया था। आज या पानी क्यों आया, किंगेत आया बता। रोता रोता 6 महीने हो गए मने, कोई सुनाई नहीं है किसी बात की। कर्मचारी आवा